अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उन दोनों औरतों ने बुरखा पहना हुआ तो हम उनकी शक्ल देख नहीं पाए। ये बुरखे ये मम्मी जी के पास कैसे आए? इसमें से तो मोगरे की खुशबू आ रही है और मोगरे का इत्र भी मम्मी जी लगाती हैं। इसका मतलब वो पैसे शिवा सर से मम्मी जी ने छीने थे। ऐसा है तो वो पैसे भी यहीं कहीं होने चाहिए। पल्लवी, हमरी अलमारी में कार्ड ढूंढने जा रही थी। हमें ये हाँ कार्ड ढूंढने जा रही थी। हमें ये पुरखा यहाँ से मिला, आपके कमरे से मम्मी जी। मम्मी जी, हाय हाय, अपने मायके वालों को पैसे देने के लिए तुमने सिपा को लूटा और झूठा इल्जाम हमारे सर पे डाल रही हो। हाँ, आप क्या बोल रही है मम्मी जी? अरे सही कह रहे हैं हम। कहा तमाशा चल रहा है यहाँ? मछली बाजार बना हुआ घर को। देखिए ना श्री से पुरुषोत्तम शास्त्री जी, ये लड़की हमें कमरे में क्या कर रही है? ये देखो, ये देखो, ये देखिए। का है ये? ये बुरखा है और का है? ये बुरखा जो है पल्लवी हमरे अलमारी में रखने जा रही थी और ये जो पैसे लूटने का झूठा इल्जाम हमरे सिर पे आ जाए ही बात से और ये जो है झट से निकल जाए। नहीं पापा जी, मम्मी जी झूठ बोल रही है। हमें ये बुरखा यहीं से मिला है, मम्मी जी के कमरे से। इसकी जैसी झूठी और चट लड़की हमने आज तक ना ही देखी जिंदगी में। ये देखिए कैसे पलटी मार रही है ये। हाँ, अगर ये बुरका यहाँ से मिला है तो पैसे भी यही होने चाहिए और अगर पैसे यही मिले तो भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी चेक करते हैं। यहाँ दिखाओ कहाँ है। देखो आके कहाँ है पैसे? लेकिन पैसे तो यही रखे थे हमने। कहाँ है पैसे? पैसे यहाँ नहीं है। ये का मतलब कि कहाँ है पैसे? देखो आके कहाँ है पैसे? हाँ बोलो, कहाँ गए बहुरिया, पैसे कहाँ गए? ढूंढो, हर जगह ढूंढो। ये पलंग के नीचे देखो, ये अलमारी के ऊपर देखो, हर जगह देखो और हमको बताओ जो पैसों के लिए तुमने हम पे झूठा इल्जाम लगाया वो पैसे हैं कहाँ? पैसे तो कहीं भी छिपाए जा सकते हैं। आपने कहीं और रख दिए होंगे। आपकी नजरों के सामने आपकी धर्मपत्नी आपकी अर्धांगिनी को ये चोटी जो है चोर बकार और झूठी बुला रही है। सच बात तो यह है कि चोरी इसी ने की। पल्लवी ऐसा नहीं कर सकती। पल्लवी जी ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी, मुंह में जबान होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोलेंगी। बोलने से पहले आपके दिमाग में एक भी बार ख्याल नहीं आया कि आप मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, तुमका ये बात का ख्याल आया कि तुम अपनी अम्मा से बात कर रहे हो।
तुमको पता भी है तुम्हारी पत्नी ने आज क्या किया है? नहीं है, और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी पत्नी कुछ भी कर सकती है, लेकिन चोरी चोरी नहीं कर सकती है। हाय हाय। हम भाई साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हैं। पल्लवी जी हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती है। वाह, जो तुम्हारी पत्नी ना ही कर सकती वो तुम्हारी अम्मा कर सकती है, यही कहना चाह रहे हो ना कि हम झूठी हैं, हमने चोरी की है? ऐसा इल्जाम लगा रहे हो हम पे? अम्मी, मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। इल्जाम आपने पल्लवी पर लगाया, और वो भी झूठा। जो लड़की पूरे घर की नाराजगी से निकल कर एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है, सारी मुसीबतों को झेल कर उस कॉम्पिटिशन को जीतती है, जीती हुई रकम अपने पास ना रख के, अपने माँ बाप को ना देके हमारे घर के जमाई को देती है, वो लड़की ना अपने घर में ऐसे चोरी करने जैसा घिनौना काम नहीं कर सकती है। आप लोगों को जो समझना समझिए, लेकिन पल्लवी गुनहगार नहीं है। मम्मी की बच्ची चोर के घर में चोरी करती अपनी अम्मा से होशियारी। हमने पैसे चुराए नहीं थे, हमने तुम्हें बचाया। हाँ, क्योंकि हमने पल्लवी को तुम्हारे कमरे की तरफ जाते देख लिया था, और उसके पहले हम वहाँ पहुँच गए तो ये पैसे उठा लिए, और अगर नहीं जाते ना तो पापा जी ना तुम्हारी चटनी बना देते, और पूरा घर खाने के साथ बैठ के ना तुम्हारे नाम की चटनी खा रहा था, वो भी चटकारे ले लेके। अच्छा, तो हमको बचाने के लिए पैसे उठाए? हाँ, तो फिर बुरखा काहे छोड़ी? वो हाँ मम्मी, बुरखा तो हम चुप कर। सूप तो सूप, छन्नी भी बोले। तुम्हारी ये दगाबाजी की सजा तो सुनो। दामा जी का फोन आया था, वो पूछ रहे थे हमसे कि कल आए बिट्टू और झिलमिल को लेने। तो मम्मी तुमने मना कर दिया ना? हाँ ठीक, हाँ कर दी हमने। अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। और सुनो, हमारी इन पैसों की तरफ आंख उठा कर भी देखे तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देंगे। ये हमारे पति की मेहनत की कमाई है, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। समझी? समझी। बुरखा अगर मम्मी जी के पास था तो पैसे भी उन्हीं के पास होने चाहिए। हमें कुछ भी करके उन पैसों का पता लगाना ही होगा। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।